एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास टेंथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है कि जो यहाँ पे ये डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपके क्वेश्चन करवाऊंगी। 4/2 है और एक 11/3 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली इससे डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हुई है, टर्मिनेटिंग हुई है। ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। अगर हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 3 3 9, यहाँ पे 2 होगा। फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या होता है, 3 6 18, 2 फिर यहाँ पे 6 आएगा। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे चलता ही जाएगा, 6 6 6, तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ। तो 3.6666 ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिसे हम ऐसे बार लगा के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो होती टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपकी एनसीईआरटी की जो ये बुक है, इसमें थ्योरम दी गई है कि एक्स कोई भी एक रैशनल नंबर है जिसको लिखा गया है पी बाई क्यू में। पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। तो ये एक्स टर्मिनेट कब होगा, अगर जो ये क्यू है इस फॉर्म में लिखा जाए 2^n और 5^m। ठीक है, यानी कि जो क्यू है इसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में लिखे जाएं, जिसमें n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो तब ये जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे कि 3/8 है। ठीक है, तो जो ये 8 है, एक 8 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर क्या बने हैं, 8 के प्राइम फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर किसके बने हैं, 8 के बने हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2^3। ठीक है, तो जो ये 3/8 था इसको हम क्या लिखेंगे, 3/2 की पावर 3। ठीक है, तो आपको चेक करना है अगर जो ये q है, चाहे ये 2 की पावर में आए चाहे ये 5 की पावर में आए, मान लो इन दोनों में से अगर एक ये 2 हो और कोई ना हो इनके साथ नीचे वाला प्राइम फैक्टर, तो भी ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2^n, n क्या होता है, जो इसकी पावर है, तो ये क्या है, एक प्राइम क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं, अब एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊँ, क्या दे रखा है, 13/125 दे रखा है। तो 125 क्या प्राइम फैक्टर बनाओगे, तो 125 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ पे हम 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, सॉरी 25, और 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। तो यहाँ से देखो क्या आया है, यहाँ से हमने क्या किया, 5 2 जा 10 और यहाँ पे क्या आया, 5। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है जो 125 के, वो क्या बना है, 5 की पावर 3, क्योंकि देखो 1 2 3 3 टाइम आया 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 की पावर 3। तो देखो नीचे क्या आया, या तो 2 की पावर में आए कुछ जिसके प्राइम फैक्टर है, या वो 5 की पावर में आए, तो तब भी ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगी। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चेक करना है। अगर ऐसे दे रखा हो, मान लो कि कोई नंबर ऐसे दे रखा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 6 की पावर 4 दे रखा है, तो ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला है, ओनली 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, तो तब जाके वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो जैसे अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दे रखा है, 13/3125। ठीक है, 3125 है 13 के 2 में। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने क्या बताया है कि पहले आपको इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, किसके, जो नीचे डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे 3125 के, क्यों, क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग ही क्या बोला गया, अगर जो इसका ये डिनोमिनेटर है ये 2 की पावर n में आए या 5 की पावर m में आए, तो तब जाके क्या होता, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो इसके आप बनाओगे तो देखो यहाँ से कितने पे चलेगा, लास्ट में 5 है तो हम 5 पे चलाएंगे, तो कितना, 5 6 30, तो यहाँ पे 12 होगा, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 25 बन गया, तो 5 5 जा 25। ओके, अब फिर 5 पे चलेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 आ गया 25, तो 5 5 जा 25। फिर 5 पे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे 5 5 जा 25, और लास्ट में आपको 1 पे छोड़ना है। ठीक है, तो जो प्राइम फैक्टर है इसके 3125 के, वो क्या क्या बने हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करनी है 3
4, 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो जो ये नंबर है ये कैसे लिखा जाएगा, 3 डिवाइड बाय 1325 को हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 5। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मैंने क्या बोला था, अगर p बाय क्यू है और जो क्यू के प्राइम फैक्टर हैं, क्यू के प्राइम फैक्टर अगर वो ऐसे आए 2 रेस्ट टू पावर 5 और 5 रेस्ट टू पावर m, तो तब जाके वो क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना, जो 3125 है डिनोमिनेटर है, हैव ए प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 5 रेस्ट टू पावर m, सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन आर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कैसे होंगे, ये होगा टर्मिनेटिंग, क्या आएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, फर्स्ट तो ये आएगा। तो अब देखो सेकंड पार्ट, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, 17 बाई 8 है, यानी कि ये क्या है, p बाई क्यू है। तो अब हमें इस q के प्राइम फैक्टर बनाने, यानी कि 8 के आप प्राइम फैक्टर ना आगे, तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो देखो ये प्राइम फैक्टर कैसे बने हैं, 17 डिवाइड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था, अगर जो क्यू है या तो वो 2 की पावर में आए या वो 5 की पावर में आए, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये 2 की पावर में आया है, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है डेसिमल। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन आप देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में है 64 डिवाइड बाई 455, ऐसे हैं। तो 64 डिवाइड बाई 455, तो इसके प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे बनती है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो इस देखो यहाँ से कितने पे चलेगा, 5 पे 5 9 जा 45 5 1 जा 5, फिर ये चलेगा 7 पे, तो यहाँ से कितना आएगा, 1 और 3, क्योंकि 7 1 जा 7, तो 2 बचेगा, तो 7 3 जा 21, तो 13 1 जा 13। तो देखो यहाँ से इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 455 के, तो वो प्राइम फैक्टर क्या बने हैं, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ये बने हैं। तो जब हम इन प्राइम फैक्टर को यहाँ पे लिखेंगे, तो 64 डिवाइड बाई क्या आया, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ऐसे आया है। तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 लिख सकते हो, नीचे आया 5 7 13, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये मैंने क्यों लिखा है, कि आप का नीचे 2 की पावर में कुछ है तो वो कैंसिल हो सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना आपको क्यू पे, क्यू के प्राइम फैक्टर क्या बने हैं, देखो अब यहाँ पे 5 के साथ 7 और 13 आया, अगर 7 13 आया है भाई, 2 और 5 को छोड़ के अगर और नंबर आते हैं इनके साथ, तो आपको डायरेक्ट लिखना है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 455 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 5 रेस टू पावर n 2 रेस टू पावर n। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्म में नहीं आई है, इसीलिए जो ये क्या है, क्वेश्चन 3 है, ये डेसिमल कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो जो इसका ये फोर्थ पार्ट है, इसको आप खुद सोल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। तो मैं अब आपको करवाऊंगी इसका पार्ट 5th, 29 डिवाइड बाय 343, क्या ये एक टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है 29 डिवाइड बाई 343, ये चेक करना है कि ये क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 343 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो 7 पे चलेगा, 7 4 जा कितने होते 28, और यहाँ पे क्या 6 बचा है, तो 7 9 जा क्या होते हैं 63, फिर 7 पे चलेगा, 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7। तो जो 343 के प्राइम फैक्टर क्या क्या बने हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 7 की पावर 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है, 29 डिवाइड बाई 7 की पावर 3, तो ये भी क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो क्यू है, जो 343 है, इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 रेस टू की पावर n और 5 रेस टू की पावर m की फॉर्म में नहीं आई है। ठीक है, तो आपको यही देख के आप जस्ट बता दोगे, क्योंकि यहाँ पे 7 आया ना 2, अगर 2 के साथ 7 होता फिर भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। ठीक है, ओनली 2 और 5 आते हैं अगर इनके प्राइम फैक्टर, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसका सिक्स्थ पार्ट, वो क्या दे रखा है, 23 डिवाइड बाई 2 रेस टू की पावर 3 और 5 रेस टू की पावर 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या आया है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो क्यू है वो उसके जो प्राइम फैक्टर है 2 रेस टू की पावर m और 5 रेस टू की पावर n में आए हैं, 2 और 5 है इसके प्राइम फैक्टर, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके,
क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर वो 2^n और 5^m में आए हैं। ओके तो नेक्स्ट जो इसका सेवंथ पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, 129 डिवाइड बाय है 2^2 और 5^7 और 7^5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखो ये दोनों तो आए हैं, 2 की पावर भी आई है और 5 की पावर भी आई, बट इनके साथ ये 7 आया है, इसीलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कैसी है ये, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या है, दूसरा नंबर भी आया है, ओनली क्या होने चाहिए, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं या अकेला हो सकता है, तो तब जाके टर्मिनेटिंग होंगे, बट यहाँ पे 7 आया है, तो ये आप देखते ही बता दोगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन जो 8 है इसका जो पार्ट है 6/15 है। ठीक है, 6/15 है, इसको आप करोगे तो जो 15 है, 15 के प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे 3 5 15 और 5 1 5, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बने हैं, 3 और 5 बने हैं। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये देखते ही प्राइम फैक्टर आप बताओगे कि ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, बट आप यहाँ पे गलती करोगे, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 और इसके डिवाइड में क्या है, 3/5, तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 2/5 बचेगा। तो देखो यहाँ से 5 आ गया ना नीचे, तो ये क्या हुई है, टर्मिनेटिंग हुई है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि वो कैसे लिखा जा सकता है, जैसे हमने 6 को 2 × 3 किया तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो ये क्या बनी है, टर्मिनेटिंग बनी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप बताते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट आपको ऊपर ध्यान देना है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का। तो नेक्स्ट जो है इसका 9th पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, 35/50 दे रखा है। ठीक है, 35/50, 50 के आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर बनाओगे, तो क्या होगा, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 × 2 × 5 का स्क्वेयर, क्योंकि 5 टू टाइम आया है, तो 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर हैं, तो इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 77/210। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसके प्राइम फैक्टर क्या बनते हैं, ये टर्मिनेटिंग होगी या ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।